भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। नमस्कार दोस्तों, क्राइम इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शमशेर खार हमेशा एक अनोखी खबर के साथ में आपके साथ में पेश होता हूं, ताकि आपको शहर और दुनिया में क्या हो रहा है इसकी पल पल की जानकारी मिलती रहे। आपको बता दें कि भंडारा जिला में बोरा एक ऐसी ऐप थी, ट्रेडिंग ऐप थी, जिसके कारण काफ़ी लोगों का भंडारा जिले में नुकसान हुआ था। उसकी तकरार के बाद माननीय SP साहब ने कई लोगों को जेल में डाला और उस ऐप के जो लोगों को नुकसान हुआ था उन लोगों की तकरार के अनुसार कार्रवाई की गई थी। लेकिन अभी चल रही खबर के अनुसार भंडारा जिले में फिर और एक ट्रेडिंग ऐप मार्केट में आ चुकी है, जो फिर से लोग उसमें काफ़ी लोगों में उनमें लोग उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं और लाखों रुपये वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज हम जानते हैं कि उस ट्रेडिंग ऐप से क्या होगा और वो कौन सी ऐप है जिसको लोगों ने नहीं खेलना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। सर नमस्कार, आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए सर क्या बताएंगे, किस तरह की ट्रेडिंग ऐप है और किस तरह का उससे बचाव रहना चाहिए? देखिए, भंडारा ज़िले में सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ऐप्स का प्रचार हो रहा है, जहाँ पर लोगों पर चीटिंग होती है, फतरनाक होती है। इसमें कुछ महीनों पहले जैसे बोरा ऐप मार्केट में आई थी और उसमें कई लोगों ने पैसे लगाए थे, एकाएक ऐप बंद होने की वजह से काफ़ी लोगों का उसमें नुकसान हो गया। उसी प्रकार से अभी उसका नाम बदल के उसी प्रकार के लोगों ने एक दोबारा से एक एंड्रोमैक्स प्रो AI के नाम से वो एक ऐप लेके आए हैं, जिसमें उसी प्रकार से कम दिनों में रेट दुप्पट करने का वादा वो लोग कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो ऐप है वो CB में रजिस्टर्ड नहीं है और उसका जो सॉफ्टवेयर का जो बैकएंड है वो ओनर के हाथ में है। जो भी करेंसी वहाँ पे दिखाई गई है उसका जो रेट है वो कभी भी बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, अपने हिसाब से वो लोगों को हानि या नुकसान या फ़ायदा पहुँचा सकता है। इसलिए जितने भी लोग इसमें आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पहले लाइन के होंगे, उसके बाद जो दूसरे लाइन के और तीसरे लाइन के लोग होंगे, उनको आने वाले समय में इन्वेस्ट करने के बाद नुकसान हो सकता है। मेरा आपसे यही अपील है कि आप लोगों ने अगर इस प्रकार के ऐप में इन्वेस्ट किया है, आपकी चीटिंग हुई है, तो आप आकर हमें इसकी कंप्लेंट दें, आरोपी का नाम बताते हुए कंप्लेंट दें और इस प्रकार के ऐप में आप लोग इन्वेस्टमेंट ना करें। इन्वेस्टमेंट आपने अगर किया है तो कंप्लेंट दें और इमीडिएटली आपका पैसा विड्रॉ कर लें। सर इसके पहले जो बोरा ऐप में कुछ आरोपी इसमें दाखिल किए गए थे, उन आरोपी पे कार्रवाई की गई थी, सुनने में ये आ रहा है कि वही आरोपी फिर से इस ऐप को चला रहे, तो आगे की किस तरह से प्रोसेस रही? देखिए, अगर इसमें अगर कोई भी नागरिक कंप्लेंट करता है तो हम उसमें FIR दाखिल करेंगे, किसी का पैसे का नुकसान होता है तो, और उसमें अगर वही आरोपी है तो हम लोग उस पर दोबारा से कार्रवाई करेंगे और वो वही आरोपी अगर डबल से ये इसी प्रकार के कार्यक्रम कर रहा है तो हम लोग उस पर अन्य प्रतिबंधक कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन अभी आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि इस प्रकार के ऐप अभी शुरू हुआ है और पिछली बार की तरह दोबारा से लोगों के अंदर उस प्रकार की फसवणूक नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम जन जागृति करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि ऐसी नौबत नहीं आए कि आप लोग दोबारा इन्वेस्ट करें, फिर लाखों का नुकसान हो, फिर आपको FIR करके अपने पैसे वापस लाने के लिए पुलिस को बोलना पड़े। इसलिए आप शुरू से ही सतर्क रहें और इस प्रकार के ऐप में इन्वेस्ट ना करें। थैंक यू सर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें जो माननीय SP साहब ने हमें जानकारी दी कि किस तरह से आप ऐप के द्वारा बच सकते हैं, आपकी जो राशि है उसको सुरक्षित रख सकते हैं, ना कि ऐसे जो CB में ऐप इंस्टॉल नहीं है या उसको परमिशन नहीं मिला है, ऐसी ऐपों में
पैसे डालकर अपना नुकसान कर सकते हैं। तो जैसे ही ये खबर आपको मिलती है, आप इसमें आपको अगर किसी तरह से फंसाने की गई है तो कृपया करके आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या आप सीधा SP साहब से मुलाकात कर सकते हैं। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज़ भंडारा। अंतिम संस्कार होने ही वाला था कि पहुंच गई पुलिस, करवाया पोस्टमार्टम। मृतक के गले में निशान देखकर दी पुलिस को सूचना। घर में मृत अवस्था में मिला था युवक। अर्जुनी मोरगांव तहसील के ग्राम ईसापुर की घटना। मृतक के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे परिवार जनों को उस समय गहरा झटका लगा जब ऐन मौके पर पुलिस ने वहां पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। यह घटना 12 जून को अर्जुनी मोरगांव तहसील के ग्राम ईसापुर में घटित हुई। घटना को लेकर गाँव में तरह तरह की चर्चा चलने लगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईसापुर निवासी मेघश्याम कुंडलिक भावे, उम्र 44 वर्ष, 12 जून को सुबह 6 बजे के दौरान अपने घर में ही मृत अवस्था में दिखाई पड़ा, जिसके बाद परिजनों ने उसके अंतिम संस्कार के लिए रिश्तेदारों को बुलवाया। दोपहर 12 बजे के दौरान अंतिम संस्कार की क्रिया करने के लिए उसके पार्थिव शरीर को स्नान करना शुरू ही किया था कि इतने में ही किसी ने मृतक के गले में निशान देखकर इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मृतक के शरीर पर गला घोटे जाने जैसा निशान दिखाई पड़ रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही अर्जुनी मोरगांव के पुलिस निरीक्षक विजयानंद पाटिल ने स्टाफ के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया। मृतक के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए अर्जुनी मोरगांव के ग्रामीण अस्पताल में रवाना कर दिया। इस घटना से कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पत्नी वैशाली 2 माह पूर्व ही घर में रहने आई। वैशाली की बहन की बेटी मयूरी महेंद्र दुनेदार, उम्र 15 वर्ष, व मृतक के पिता कुंडलिक भावे को पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन में बुलवाया। कड़ाई से पूछताछ के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी वैशाली भावे को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के बाद अनेक तथ्य सामने आने की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल पोस्टमार्टम के बाद शाम 7 बजे के दौरान मृतक का अंतिम संस्कार किए जाने की जानकारी मिली है। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले छात्रों को नीट घोटाले से भारी झटका लगा है और उनके सपने चकनाचूर हो गए। इस परीक्षा में गड़बड़ी होने से लाखों छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। इस घोटाले से महाराष्ट्र में छात्रों के साथ भी अन्याय हुआ है और सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाना मुश्किल हो गया है। नीट परीक्षा में हुए घोटाले को देखते हुए मामले की गहन और निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और रिजल्ट का दोबारा मूल्यांकन होना चाहिए और ग्रेस सिस्टम बंद होना चाहिए। एक परीक्षा केंद्र पर 67 छात्रों को पूरे अंक कैसे मिले हैं, ऐसा सवाल उठा है। इससे यह मामला संदिग्ध हो गया है। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए यह परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यह उन छात्रों के साथ अन्याय है जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई की है और यह परीक्षा दी है। गहन जांच होने तक प्रवेश प्रक्रिया को निलंबित कर दिया जाना चाहिए और इसमें दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस आशय का एक निवेदन अर्जुनी मोरगांव तालुका युवा कांग्रेस समिति की ओर से अर्जुनी मोरगांव तहसीलदार अनिरुद्ध कामले के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया है। निवेदन देते समय गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। तुमसर से रामटेक हाईवे और जाम से मोहाड़ी रोड पर तेज गति से गाड़ी चलाने, सीट बेल्ट नहीं पहनने, हेलमेट का उपयोग नहीं करने, शराब के नशे में गाड़ी चलाने के कारण कई दुर्घटनाएं हुई है और इससे जनहानि और आर्थिक हानि होती है। इस पर अंकुश लगाया जाए और लोग इसके प्रति जागरूक होकर यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे। इस उद्देश्य से सहायक पुलिस अधीक्षक रश्मिता राव, तुमसर और पुलिस स्टेशन आंदलगांव के अधिकारी और कर्मचारी और साथ ही पुलिस पाटिल संघ ने खतरनाक सड़कों और मोड़ों पर धीरे धीरे गाड़ी चलाने, सीट बेल्ट लगाने, हेलमेट का उपयोग करने और शराब पीकर गाड़ी ना चलाने के बारे में कुल 16 नोटिस बोर्ड लगाए हैं।
भंडारा गोंदिया जिले के अंतर्गत पंजीकृत पत्रकारों के लिए वन एवं वन्य जीव पर अध्ययन का आयोजन किया गया है। भंडारा जिले के पत्रकारों के लिए 18 जून 2024 को और गोंदिया जिले के पत्रकारों के लिए 19 जून 2024 को इस अध्ययन का आयोजन किया गया है। तदनुसार वन एवं वन्य जीव अध्ययन यात्रा में भाग लेने के लिए भंडारा एवं गोंदिया जिले के पत्रकारों से आवेदन 13 जून 2024 को सुबह 10 बजे से 16 जून 2024 को रात 8 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए प्रशासन की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उक्त आवेदन पत्र के साथ एक QR कोड प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए वन एवं वन्य जीव अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम में भाग लेने वाले भंडारा गोंदिया जिले के सभी इच्छुक पत्रकार अपने आवेदन दें। विशेष जानकारी के लिए वेबसाइट पर संपर्क करें। यह अपील नवेगांव नागजिरा टाइगर रिजर्व साकोली डिवीजन के उप निदेशक द्वारा दी गई है। मौसम विज्ञान विभाग प्रतिदिन येलो अलर्ट जारी कर जिले के नागरिकों को बारिश होने का दिलासा दे रहा है, लेकिन विभाग का पूर्वानुमान एवं चेतावनी पिछले कुछ दिनों से कम खरी उतरती दिखाई नहीं पड़ रही है। 12 जून को भी दिन भर आसमान में बादलों की आंख मिचौली चलती रही, कभी धूप खिलाती थी तो कभी छाव हो जाती थी, लेकिन तापमान में कोई खास गिरावट नहीं होने के कारण दिन भर जिलावासी भीषण उमस भरी गर्मी से हलाकान होते नजर आए। गर्मी इतनी अधिक थी कि पंखे शुरू रहने के बावजूद नागरिक पसीने से तरबतर होते दिखाई पड़े। 12 जून को विदर्भ में गोंदिया जिले का तापमान सर्वाधिक 45.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आसमान में बादल छाए रहने के कारण दिन भर लोगों को बारिश होने एवं गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बनी रही। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कहीं से तेज हवाएं अथवा धूल भरी आंधी चलने की जानकारी मिली। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक नागरिकों को इसी तरह के मौसम का सामना करते हुए बारिश का इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए मौसम का जो पूर्वानुमान और चेतावनी जारी की है, उसके अनुसार गोंदिया जिले में 12 से 16 जून तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की अधिक संभावना जताई गई है, जबकि 12 एवं 13 जून को कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर तो 14 जून से 16 जून तक कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। भंडारा पुलिस ने जवाहरनगर वर्टी साकोली थाना अंतर्गत जुए और शराब के अड्डे पर छापा मार कर 7,155 रुपए का माल जब्त किया। दिनेश नारायण लिमजे उम्र 24 वर्ष निवासी चांदनी चौक भंडारा से सट्टा सामग्री और नकदी समेत 355 रुपए जब्त किए गए। वीरेंद्र बाबूराव चकोले उम्र 40 वर्ष निवासी शुक्रवारी शिवाजी वार्ड भंडारा के पास से 1,400 रुपए की देशी शराब। सचिन दत्ताराम आदमने उम्र 40 वर्ष निवासी खमारी से 4,000 रुपए की शराब। अल्केश कैलाश मेश्राम उम्र 34 वर्ष निवासी गांधी वार्ड वर्टी और मुकेश पतिराम पतेती उम्र 30 वर्ष निवासी आगरी से 400 रुपए की शराब सहित 7,155 रुपए का माल जब्त किया गया। पावसाळा अगदी तोंडावर आला असताना नगरपालिकेला अनेकदा लेखी तथा तोंडी सूचना करूनही प्रशासन मॉन्सून पूर्व तयारीला लागलेला नाही। नाल्यातील गाळ, नाली लगतची झुडपी वनस्पती, शहराबाहेर सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या मोठ्या नाल्या, रस्त्यावरील जीवघेणे खड्डे, पाण्याखाली येणारे रस्ते, प्रभाग तसेच कचऱ्याची विल्हेवाट सध्या कासव गतीने सुरू आहे। त्याकरिता माजी नगराध्यक्ष प्रदीप पडोळे यांनी पालिका प्रशासनाला गत काळातील भयावह पूर परिस्थिती तसेच स्थानिकांच्या समस्यांशी अवगत करून देखील प्रशासक राजवटीत सामान्य नागरिकांच्या समस्यांना पालिका दुजोरा देत असल्याची संतप्त टीका पडोळे यांनी केली आहे। पालिकेला निवेदन देते वेळी पडोळे यांच्यासह भाजपचे गीता कोंडेवार, कुंदा वैद्य, कल्याणी भुरे, पंकज बालपांडे, सचिन बोपचे, आशिष कुकडे, प्रीती मलेवार, राजकुमार मरठे, शोभा लांजेवार, योगेश रंगवानी, कृष्णा पाटील, पवन पाटील, निशित वर्मा, अनुज मलेवार, शांता सार्वे उपस्थित होते। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। घर में कोई नहीं होने का फायदा उठाकर रात के समय अज्ञात व्यक्ति घर में घुस आए और चोरी करने का प्रयास किया। यह घटना शेष नगर पौनी की है। पौनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। खेत परिसर में लगे मोटर पंप से तार निकाल कर चोरी की गई। यह घटना शून्यबाद में प्रकाश में आई। शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घर निर्माण में पानी डाल रहे बाप बेटी की पिटाई कर दी गई। यह घटना नेहरू वार्ड बेला में घटी। आरोपी का नाम सुक्कू कुथे, उम्र 35 वर्ष है। शिकायत के आधार पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
सड़क के मोड़ पर दो बाइक टकरा गई। मुआवजे को लेकर दो गुटों में गाली गलौज और मारपीट हुई। भंडारा पुलिस ने दो गुटों के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शराब पीकर सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। सावरबंद निवासी जयंत ईश्वरदास बडवाईक, गोंडसावरी निवासी नीरज भैया टेकाम वाहन चालकों के नाम है। पुलिस ने जवानगर वर्टी साकोली थाना अंतर्गत जुए और शराब के जुए पर छापा मार कर 7,155 रुपए का माल जब्त किया। दिनेश नारायण लिमजे उम्र 24 वर्ष निवासी चांदनी चौक भंडारा से सट्टा सामग्री और नकदी समेत 355 रुपए जब्त किए गए। मास्टर भर्ती समय हाजिरी लगाने के लिए खड़ा नहीं होने की बात को लेकर रोजगार सेवक और मजदूरों के बीच बहस हो गई। दोनों ने एक दूसरे को भद्दी भद्दी गालियां दी। दिघोरी पुलिस ने एक दूसरे की शिकायत पर दोनों गुटों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।